नमस्कार, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। ऋषभ पंत जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको कितनी चोट आई है, कहां कहां चोट आई है, इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। दरअसल बताना चाहेंगे कि ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर बीसीसीआई का आधिकारिक बयान आया है और बीसीसीआई ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर ऋषभ पंत की हालात की जानकारी और इंजरीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। बीसीसीआई ने एक सेक्रेटरी जय शाह के हवाले से अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में उनके द्वारा लिखा गया है कि इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह उत्तराखंड के पास रुड़की में एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें सक्षम तरीके से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी जो इंस्पेक्शन है, जो उनकी देखभाल है, वो लगातार उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ऋषभ को माथे पर जो है वो दो कट लगे हैं। उन्होंने कहा है कि दाहिने घुटने में भी लिगामेंट टाइट हुआ है और उनकी दाहिनी कोहनी, कोहनी एड़ी और पैर की उंगली और पीठ में भी चोट आई है। ऋषभ की हालत स्टेबल है और उन्हें अब देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया कर दिया जाएगा, जहां उनको एमआरआई स्कैन किया जाएगा और इससे पता लगाया जाएगा कि उनकी चोट कितनी गहरी है और आगे का ट्रीटमेंट कैसा होगा। बीसीसीआई लगातार पंत के परिवार से बातचीत कर रही है और हमारे जो टीम है, जो डॉक्टर्स की, वो भी लगातार ऋषभ पंत का इलाज कर रही है और उनके डॉक्टर से बातचीत कर रही है। बीसीसीआई इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि पंत को सबसे अच्छी मेडिकल केयर मिले और उन्हें इस दौरान इस पूरे जोन से, स्पेस से निकलने में पूरा सहयोग किया जाए। बताना चाहेंगे आपको कि पंत अपनी मर्सिडीज कार में दिल्ली से घर लौट रहे थे रुड़की के पास में, उनका क्षेत्र में, उनका नेशनल हाईवे 58 पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया शुक्रवार 30 दिसंबर यानी आज सुबह लगभग 5 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ और उस वक्त पंत गाड़ी खुद चला रहे थे। पंत के अलावा गाड़ी में कोई भी नहीं था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गाड़ी चलाते हुए ऋषभ पंत को झपकी लग गई थी और इसी के चलते उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में आग लग गई, भीषण आग लग गई। ऋषभ पंत को कई जगह पर चोटें आई हैं। शुरुआती तस्वीरों और जानकारी के मुताबिक ऋषभ के सर पर गहरी चोट आई, उनकी पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी गहरी चोट आई, वहां पर भी जलने के घाव मौजूद है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस दुर्घटना में ऋषभ पंत का एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया है और ये फिलहाल अहम जानकारी थी। लेकिन बीसीसीआई ने आधिकारिक पुष्टि की है कि आखिर ऋषभ पंत को कहां कहां पर गहरी चोट आई है और ये भी सुनिश्चित किया है कि उनके इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।